नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मन में कुछ करने की लगन और जज्बा हो तो इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सके। 17 साल का ये बच्चा शरीर से जरूर लाचार है, लेकिन साइंस की दुनिया में वो अपना एक बड़ा नाम बनाना चाहता है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला 17 साल का ये दिव्यांग बच्चा अपने मुंह से लिखता है और थोड़ी से गैजेट्स चलाता है। इस बच्चे का नाम तुहिन है। तुहिन की मांसपेशियां इतनी कमजोर है कि वो अपने शरीर का भार नहीं उठा सकता है, न तो हाथ हिला सकता है और न ही पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के बावजूद वो एक इंजीनियर बनाना चाहता है। उसके लिए वो अपने सपनों की पहली सीढ़ी चढ़ चुका है। इस साल तुहिन ने कोटा के कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेकर IIT एंट्रेंस की तैयारी शुरू कर दी है। तुहिन अपने मुंह में पेन पकड़ कर लिखता है और मोबाइल और कंप्यूटर भी ऑपरेट कर लेता है। तुहिन 10वीं कक्षा में है। अभी तक की पढ़ाई IIT खड़गपुर कैंपस में बने सेंट्रल स्कूल में की। वो IIT खड़गपुर से बीटेक करना व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है। तुहिन स्टीफन हॉकिंस से मिलना चाहता है। HRD मिनिस्ट्री ने 2012 में उसे बेस्ट क्रिएटिव चाइल्ड और 2013 में एक्सेप्शनल अचीवमेंट अवार्ड मिला। इस हौसले को देखते हुए एलेन कैरियर इंस्टीट्यूट ने उसकी फीस माफ कर दी है। तुहिन के पिता समीर अंडे प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, माँ सुजाता डे हाउसवाइफ हैं। तुहिन को स्कूल छोड़ने और घर वापस लाने के लिए दोनों को करीब 50 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था।